हाँ नमस्कार दोस्तों, ये कीट साक्षरता मिशन में हमारी ऑनलाइन क्लास चल रही है पंजाब और हरियाणा से। तो उसमें किसानों को जानकारी के लिए डॉक्टर साहब ने जैसे ब्लॉक ने ब्लॉग बनाए थे, तो उसमें बहुत सारे कीटों की जानकारी उपलब्ध है। तो वो ब्लॉग में कैसे आपको जानकारी लेनी है उसके बारे में ये थोड़ा सा आपको बता देते हैं। आप गूगल पे जाके प्रभात कीट पाठशाला, उसमें अंग्रेजी में डायल कीजिए या लिखिए उस पर, तो आप सर्च करेंगे तो आपको सबसे ऊपर लिखा हुआ आ जाएगा प्रभात कीट पाठशाला। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये डॉक्टर साहब का ब्लॉग का पेज है वो खुल जाएगा। इसमें कुछ कीड़ों की तस्वीरें और नाम लिखे हुए हैं, हिंदी में है ये पूरे का पूरा ब्लॉग। सबसे नीचे आप उसको लेके जाएंगे तो वहाँ पे आपको व्यू द वर्शन दिखाई देगा, उस पर क्लिक करेंगे तो ये मेन ब्लॉक का पेज जो है वो आगे खुल जाएगा। इसमें कई सारे कीटों की जानकारी इसमें दी गई है, आप नीचे करके देख सकते हैं। इसी ब्लॉग में अगर राइट साइड में आप देखेंगे तो ब्लॉग आर्काइव इस पर लिखा होता है। इसके नीचे आप देखोगे साल लिखा हुआ है, साल के बाद ब्रैकेट में एक नंबर दिया हुआ है। ये है कि जैसे जिस साल में कितने ब्लॉग लिखे हैं या कितने पेज लिखे हैं उसकी ये जानकारी है। जैसे 2014 में एक और 2012 में 15, 11 में 13, 2010 में 6 और 2009 में 33। तो आप ईयर पे क्लिक करोगे, साल पे क्लिक करोगे तो उस साल के में जितने भी ब्लॉग लिखे हैं वो सारे के सारे जितने कीड़ों की जानकारी दी गई है वो सारी यहाँ पे आपको दिख जाएगी। फिर भी आप अगर आगे और देखना चाहते हैं कि अलग अलग महीने में किस किस कीट की जानकारी, आपको कोई ख़ास कीट जो चुनना है तो वो आसानी से देखने के लिए आप महीने पे क्लिक करें। यहाँ आप देखेंगे कि उस महीने में जितने भी अगस्त का हमने किया था 5 इसमें ब्लॉग लिखे थे, तो जिन जिन कीटों की जानकारी है उनके नाम यहाँ लिखे आ जाएंगे। और यहाँ लेफ़्ट साइड में जो है वो भी आपको पूरी नीचे करके आप जानकारी ले सकते हो। लेकिन आपने एक ही कीट की जानकारी लेनी है, यहाँ पे जैसे ये कपास सीधे कीट सफेद मक्खी की जानकारी चाहिए तो इस पर आप टच करें या क्लिक करें तो ये सफ़ेद मक्खी, सिर्फ सफ़ेद मक्खी की जानकारी यहाँ पे आ जाएगी आपके पास। और अगर आप महीने पे भी क्लिक करते हैं तो जैसे इसमें 5 कीड़ों की जानकारी है, सिंघू बुगड़ा, चितकबरी सुंडी, अस्पदी, सफ़ेद मक्खी और दीदड़ बुगड़ा। इसमें भी आप अगर अकेले सफ़ेद मक्खी का देखना चाहते हैं तो यहाँ लिखा हुआ है कपास से देखिए सफ़ेद मक्खी, वहाँ पे आप टच कीजिए या क्लिक कीजिए तो उसका पेज खुल जाएगा। तो इसमें पूरी जो जानकारी डॉक्टर साहब ने ये दी हुई है इसमें हिंदी में, कुछ नाम जो इंग्लिश में भी दिए हुए हैं और इस कीट की कई तस्वीरें भी दी गई हैं। तो इसी फ़ोटो पर आप टच करोगे तो आपको उस कीट की जो फ़ोटो है वो दिख जाएगी, छोटी सी दिखेगी। इसको जूम करोगे तो आप ये फ़ोटो बड़ी भी होकर दिख जाएगी। वापस जाने के लिए इसके इस कॉर्नर में एक क्रॉस का निशान बना है, उसको टच कीजिए तो ये फ़ोटो चली जाएगी। ऐसे उसके बच्चे की फ़ोटो और अलग अलग उसको, ये एक कीट है जिसके बारे में आज क्लास में थोड़ा बताया भी गया था, जिसके अंडे का बच्चे का परजीवी है, जिसके बच्चे के शरीर में जो है वो अंडा देता है। तो ऐसे आपको ये जानकारी मिल जाएगी। इसके बाद इस ब्लॉग में जो आप जानकारी दी गई हुई है इस पेज पे, उसमें कुछ अक्षर जो हैं वो ब्लू कलर में लिखे गए हैं तो उसको टच करेंगे आप तो एक नया लिंक खुल जाएगा। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो डॉक्टर साहब का यूट्यूब का चैनल है, यहाँ पर उन्होंने कीटों के जो वीडियो हैं वो डाले हुए हैं। ये वाइट फ्लाई का था तो वो जो वीडियो वाला पेज वहाँ पर यूट्यूब का खुल जाएगा, यहाँ वो वीडियो देख सकते हैं। अगर डॉक्टर साहब के और वीडियो देखने हैं किसी पेज के नीचे जो है वो डॉक्टर, यहाँ पर उनका नाम सुरेंद्र बलाल लिखा हुआ है जिसके नीचे 855 सब्सक्राइबर लिखे हुए हैं, आप उस पर टच करेंगे तो ये पूरा चैनल यहाँ पे खुल जाएगा। ये होम पेज खुल जाएगा, ऊपर जहाँ पे डॉक्टर साहब का नाम लिखा है उसके नीचे एक वीडियोज लिखा हुआ है, उस पर क्लिक कीजिए तो ये पूरी वीडियो की जो है वो लिस्ट यहाँ पे आ जाएगी। तो इसमें आपको सारे के सारे वीडियो जो डॉक्टर साहब ने यूट्यूब पर डाले हैं, जैसे अभी वायरस की बात हो रही थी तो एक
कॉटन लीफ कर्ल का वायरस का वो वीडियो एक्सपेरिमेंट है, तो आपको क्लास में बाद में बताएंगे, आप खुद भी देख सकते हैं। तो ऐसे आप इस ब्लॉग को पूरा देख सकते हैं। तो जिस कीट की जानकारी चाहिए वो इस लिस्ट में से आप निकाल सकते हैं। उसके बाद डॉक्टर साहब नीचे एक और भी लिंक दिए हुए हैं, जैसे ये ग्रास इंसेक्ट, कांग्रेस ग्रास इंसेक्ट्स हैं, इस पर आप टच करोगे या क्लिक करोगे तो ये दूसरा ब्लॉग जो है खुल जाएगा। इसमें उन्होंने और जानकारी दी है, जो कांग्रेस घास पे जो कीट आते हैं ये उसके बारे में पूरी की पूरी जानकारी दी है। उसी तरीके से आप इस ब्लॉग को भी चला सकते हो। इसके अलावा कृषि चौपाल के नाम से एक ब्लॉग बनाया है, ये महिला की खेत पाठशाला, ये जो महिलाओं की क्लासें लगती हैं उनके बारे में डॉक्टर साहब ने लिखा है यहाँ पे। और एक यहाँ पे ये इंसेक्ट वीडियोस हैं, तो ये इंसेक्ट वीडियोस पे आप क्लिक करोगे तो ये आपको फिर से डॉक्टर साहब का जो यूट्यूब चैनल है वो खोल के आपको दिखा देगा, यहाँ से आप वीडियो देख सकते हैं। और उसके नीचे एक लिंक है जिस पे इंसेक्ट्स लिखा हुआ है, तो इसको आप क्लिक करोगे तो ये flickr.com यहाँ पे खुल जाएगा। यहाँ पे डॉक्टर साहब ने बहुत से जो कीट हैं उनकी फ़ोटो डाल रखी हैं, ये आप फ़ोटो देख सकते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि जो डॉक्टर साहब ने ब्लॉग के अंदर जैसे कुछ नीले कलर में जो है ये अक्षर लिख रखे हैं, तो उन पे आप क्लिक करोगे तो आगे कोई लिंक खोल देगा। जैसे इसमें वीडियो आ रहे हैं तो कई जगह पे जो ये लिंक हैं किसी और कीट का अगर आप देखेंगे तो उसमें फ़ोटो भी आपको दिखाई देगी। ये जो फ़ोटो हैं जितनी आपको यहाँ पे दिखाई दे रही हैं, जैसे दे देखिए, ये राइस गुंडी बग का जो है निम्फ है, तो ये मलंगा लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे तो ये मलंगा की जो फ़ोटो है वो दिख जाएगी। उसके नीचे हमारे कुछ भाई बात कर रहे थे कि इंग्लिश में शायद वो स्टूडेंट थे, तो इसमें पूरा उन्होंने नीचे लिखा हुआ है कि इसको साइंटिस्ट की भाषा में क्या कहते हैं, कौन सी फैमिली, कौन सा ऑर्डर, कौन सी लोकेशन जहाँ से ये वीडियो जो फ़ोटो खींची गई है। तो ऐसे आप इस ब्लॉग को इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे सारी जानकारी आप ले सकते हैं। तो इसको ज़रूर पढ़िए, जब भी हम सवाल करें इसमें फ़ोटो वीडियो सब कुछ आपको मिल जाएगा। तो सवाल करने से पहले थोड़ी जानकारी हमारे पास होगी तो हमारे सवाल जो हैं वो और बढ़िया तरीके से हम रख सकते हैं, कीटों को बड़े अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। तो वैज्ञानिक सोच के लिए जैसे हर क्लास में डॉक्टर दिलजीत जी बता रहे हैं, तो कोई आधार भी होना चाहिए, तो वो आधार आपको यहाँ ब्लॉग से मिल पाएगा। बाकी की जो डिस्कशन है हमारी ऑनलाइन क्लासेस और हमारे जो व्हाट्सएप ग्रुप हैं या फेसबुक पे जो हमने शुरू किया है, तो वहाँ पे हम जानकारी जो है आपस में शेयर करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।